बेबी काय चाललंय विठ्ठला सत्यानाश केला सगळ्या सेठचा आता थांब उधारच काच लगे की पैर को अच्छा अभी मैं डांट लगवाती हूँ साहब से बहुत बिगड़ गई है पापा पापा ये शांतता ही बहुत बिगड़ गई है आप डांटिए उसको ओ, हुआ क्या बेटो हुआ क्या माझा कप्पा नवीन सेठचा कचरा करून टाकला इधर कचरा बोलने लगी उधर क्या बोला था सत्यानाश तो मैं बहन की देखो साहब ऊपर से गाली देती है बेटो वो मराठी में कुछ भी बोलती रहती है हमको वो कुछ नहीं डांटते कि नहीं डांटता हूँ शांता ताई आप क्यों हमारी बिट्टो कुछ भी बोलती रहती है अगर आपने दोबारा इस तरह की हरकत की तो मुझे देखिए मैं चालू झाले नाटक भाप लेके चल देखा पापा देखा बिना आपकी डांट सुने चली जा रही है बिट्टो लगाऊंगा खींच के तो कल ठिकाने आ जाएगी कहां से सीख के आती हो गाली वाली देना अब रो मत एक तो डांटेंगे ऊपर से रोने भी नहीं देंगे ओहो बिना बात के डांट रहा हूं क्या बताया था ना गाली बकना घटिया लोगों का काम होता है पप्पा इसका मतलब क्या होता है किसका बेटे ये तेरी तो मैं बहन चुप कोई जरूरत नहीं मतलब समझने की समझी साहब टीवी सुधारने के वास्ते बाहर एक आदमी आया है उसको क्या बोलूं बोलता था पोरगी ने एक फोन हेलो कोई तरीका है तुम लोगों का टीवी बेशक तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और एक बार पैसे मिल गए तो मुंह भी नहीं दिखाएंगे फोन कब किया था कल सुबह आ कब रहे आज शाम अब खड़े क्यों हो खड़ा कहाँ हूँ तो बैठे हो मैच भी देखने को नहीं मिला आज स्कोर क्या हुआ कुछ पता है स्कोर 100 रन की लीड है और 6 विकेट हाथ में है जरा सी अनइवन बाउंस है पिच में अगर अब्दुल कादिर की गुगली को संभाल लिए ना मैच हाथ में क्रिकेट की अच्छी जानकारी रखते हो अगर इतनी जानकारी टीवी के बारे में भी होती तो ये रोज रोज खराब नहीं हुआ करता बिट्टो मैं जा रहा हूँ हम सुबह वेट करेंगे पापा जल्दी आ जाना हाँ 11:30 बजे तक आ जाऊंगा 10 बजे तक आ जाना बिट्टो पूना से बंबई तक 3.5 घंटे लगते हैं 8 बजे भी चला तो आप बहस करेंगे तो 9 बजे का बोल देंगे नहीं 10 ही ठीक है आ जाऊंगा I love you, Papa. I love you too, लेकिन अब मुरब्बा उतारने मत चढ़ना और जानता ताई को तंग मत करना गाली वाली बिल्कुल नहीं और फिर से टीवी खराब मत कर देना हम तो हाथ भी नहीं लगाते पापा पता नहीं कैसे खराब हो जाता है टेनियम शॉप पापा ओके टेनियम शॉप ताकत है प्रेम कमजोरी भी तो है कट कट ये क्या कट कट लगा रखी है आपने शास्त्री जी ये नाटक है कोई फिल्म की शूटिंग नहीं फिल्म हो या नाटक दोनों में असली जिंदगी की तस्वीर उतारी जाती है ओफो मगर आपने कट क्यों किया कट नहीं किया सेंसर किया सेंसर ये ना भूलो कि तुम्हारा प्रेम रवि के साथ पवित्र है ऊंचा है शरीर का संबंध नहीं है आत्मा का संबंध बुलशिट शरीर के बिना प्रेम हो कैसे सकता है एक आदमी सामने होता है उसके हाथ पांव होते हैं उसकी शक्ल होती है कुछ स्वभाव होता है वो सामने दिखाई देता है उसे छुआ जा सकता है महसूस किया जा सकता है तब जाके होता है उसे प्यार कोई हवा से प्यार कर सकता है क्या मैंने तो जिंदगी में किसी को किसी की आत्मा से प्रेम करते हुए नहीं देखा नहीं देखा होगा जिंदगी जिंदगी होती है नाटक नाटक
अभी तो आप बोल रहे थे कि नाटक जिंदगी की तस्वीर होती है। वो तब बोल रहा था, अब ये बोल रहा हूँ। तुम किस चक्कर में पड़ती हो? लाइन शुरू करो। स्टार्ट। 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 प्रेम हिम्मत होती है। मजबूरी भी तो है कुंवर, बस तुम मुझे अपने बाहों में समेट लो। लगता है आज कोई तूफान आने वाला है, बिजली कड़क के गिरेगी। ए यू, मिस्टर हीरो, आइए आप, चलिए हमारे साथ। तुम भीतर कैसे घुस आई? राम सिंह, तुम्हें रोका नहीं उसने? रुका था, एक छापड़ दिया घुमा के, वहाँ बैठा है सीढ़ी के पास मुंह पकड़ के। अब तुम चलते हो कि नहीं? वो नहीं जाएगा, ये शास्त्री की रिहर्सल है, यहाँ सिर्फ शास्त्री का हुकुम चलता है। इस शास्त्री की तुम्हें क्या है शास्त्री, उसको बुलाओ हमारे सामने। शास्त्री जी, जाना तो पड़ेगा ही, अब अगर आप इजाजत ना दे तो नहीं जाओगे ना? तो बिना इजाजत के जाना पड़ेगा। तो दे दी, जा। थैंक यू। ठीक है साहब, जाइए, जाके आ जाइए, हम इंतजार कर लेंगे, आखिर लौट कर तो यही आएंगे ना आप। जी। लो देखो। वो हमने सोचा हम खुद ही ठीक कर लेंगे, मगर बाद में सोचा भाई तुम्हारा काम है, हम क्यों करें। फिर सोचा, अब एक काम सिर्फ और कीजिए, ये सारे पुर्जे और वो खोका एक बोरी में बंद कीजिए और समंदर में फेंकाइए, बात खत्म। तो प्लीज, पापा ने पहले बोला था टीवी को हाथ मत लगाना, वो ये सब देखेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे सच्ची। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, अब इस कबाड़े का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आप कोशिश तो कीजिए। फिक्र की कोई बात नहीं, पापा तो कल सवेरे आएंगे, नौकर चाकर भी जा चुके हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लो पकड़ो, कुछ चाहिए तो हमको बोलना, हम मदद करेंगे तुम्हारी। शुक्रिया। बस अब काम और नहीं हो रहा, चार पांच घंटे का काम और बाकी है और नींद के मारे हालत बुरी हो रही है। तो ठीक है, तुम सो जाओ। हाँ, देखो ना, पापा आएंगे सुबह 10 बजे, अभी बजाए दो तो तुम 3 घंटे सो जाओ, हम तुमको 5 बजे उठा देंगे। हाँ, आओ तुमको बेडरूम दिखा दें। हाँ, मैं यहीं कहीं सोफे पे सो जाऊंगा, अगर आप तकिए का बंदोबस्त कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, अभी ला कर देते हम तुम्हें। हाँ, मारा साले ने। ए उठो, 5 बज गया, चाय। देखो जरा लाट सबको, हमें किन के लिए चाय बना के लाए और ये सो रहे हैं। अरे साला यही तो थी गड़बड़, एंटेना निकल गया था। पापा आ गए, तुम उधर क्या देख रहे हो, अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से। अरे अरे मगर अरे यो। देखो पापा उधर से आएंगे, तुम चुपचाप इधर से निकल जाना, समझे। कैसी है हमारी रानी बेटी? ठीक है, टीवी भी ठीक है। टीवी भी ठीक है, टीवी तो ठीक ही था। हाँ, वही तुमने कहा, टीवी ठीक था, टीवी ठीक है। पागल है तू। अंकल चिट्ठी। रवि, कोई लड़की तुमसे मिलने आई है, बाहर खड़ी है। कमाल के आदमी हो तुम भी, खुद तो चले आए और अपना ये विजिटिंग कार्ड वहीं छोड़ा है। लो पकड़ो, बोलो पैसे कितने हुए। किस बात के? किस बात के,
देखो हम कोई मुफ्त में काम नहीं करवाते हैं, समझे? बोलो कितने रुपए दें? अगर आप मेरा हिसाब चुकाना ही चाहती हैं, तो मेरे साथ चलकर एक कप कॉफी क्यों नहीं पी लेती हैं आप? समझिए हिसाब चुकता? इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब? मतलब कुछ नहीं, साथ बैठकर कॉफी पीते हैं और क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें? इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है? थैंक यू। यानी कि कल वो टीवी है? तुम तो भाई बहुत गुंडे हो। गुंडा? फिर कल क्यों? बताने से पहले तो आपने ऊपर से पेश कर दो। We are friends. Really? Hello. मेरा नाम कंचन है। बिट्टू, बैठिए ना। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा काम किया। एक मिनट हाँ। ये आपका इनाम। ओह, थैंक यू। खाओगे रवि? चलो बेटो, देर हो रही है, टैक्सी नहीं मिलेगी। ओके, बाय बाय, सी यू। रवि? एक मिनट। बहुत छोटी नहीं है? बस या और कुछ कहना है? नहीं नहीं, यही कि कम से कम तुमको 3-4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मैं 300-400 साल इंतजार कर लूंगा, तुमसे मतलब। ठीक है, दिल को खिलौना समझेगी, तोड़ के फेंक देगी। ये बात नहीं है कंचन जी, हम सब चीजें बहुत संभाल के रखते हैं, हमारे हाथ से कुछ नहीं टूटता। क्या चीज रखनी है, हमें दो। तुमसे किसने कहा बीच में बोले वो? अरे वाह, हमारी बात होगी, हम नहीं बोलेंगे। पता भी है क्या बात हो रही है? पता भी है नहीं, और हमको पता करना भी नहीं है। मैं एवन टेलीविजन में काम करता हूँ। आपका टीवी पर क्या था सर? फिर कुछ नहीं सर, ऐसे चलाया। आपको कोई शिकायत तो नहीं ना सर? चलता हूँ सर। सुनो, अंदर आ। जी नहीं सर, मैं और कम साइड, बाहर बहुत ठंड है। तो तुम एवन टेलीविजन में काम करते हो? जी हाँ सर, वैसे मैं स्टेज पर भी काम करता हूँ, टीवी पर हमारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी आते रहते हैं। ठीक कमाल है सर। बिट्टो से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? उस दिन आपका टीवी खराब हुआ था, तब मुलाकात हुई थी सर। तुम्हारे माँ बाप बम्बई में रहते हैं? जी माँ बाप तो बचपन में गुजर गए। हाँ, मेरे एक बुजुर्ग हैं शास्त्री जी, हमारे ड्रामा के डायरेक्टर शास्त्री जी। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। इंतजार का फल मीठा होता है माथुर साहब, हुक्म कीजिए, कैसे याद फरमाया? बात यूं है शास्त्री जी, मेरी एक बेटी है जी, छोटी है, भोली सी, प्यारी सी। बड़ी प्यारी बच्ची है। आपको कैसे मालूम? मालूम जी नहीं, मैं तो आपके हाँ में हाँ मिला रहा था। मेरी बेटी के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं जी, मगर इस बीच सुना कि
रवि से उसका मिलना जुलना काफी बढ़ गया है। अब आपको तकलीफ इसलिए दी क्योंकि आप रवि के बाप की जगह हैं। अलग बात है, बाप होना और बाप की जगह होना दो अलग बातें। मैं तो खुद परेशान हूँ नालायक से, दुनिया भर की लड़कियों के साथ चक्कर चला रखे, अब आपकी बच्ची के पीछे पड़ गया। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं रवि का जी कहीं और लगा दूंगा। भाई थोड़ा बहुत खर्चा ही होगा ना, मैं आपसे मांग लूंगा। लीजिए, बेफिक्र हो जाइए, बस अगर सीधी तरह रास्ते पर ना आया तो टांगे तोड़ दूंगा हरामखोर की। शास्त्री जी, मैं अपनी बेटी का ब्याह लंगड़े लड़के से नहीं करूंगा। जी, मैं रवि से मिल चुका हूं, मुझे लड़का अच्छा लगा। अच्छा लगा से आपका मतलब? अजी है ही अच्छा, वरना यूं ही हर किसी का दिल जीत लेता। रही लड़कियों से मिलने जुलने की बात, तो मैं उसे बुरा नहीं समझता। अगर बच्चे अब नहीं हंसे खेलेंगे तो क्या हमारी आपकी उम्र में ये सब कुछ करेंगे? मगर हमारी बिटिया दिखाई नहीं दी। बेबी तो घर पे नहीं है, वो किसी पार्टी वार्टी में गई है। कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे, कम से कम आपसे तो मिल लें, आपको मुबारकबाद तो दे दे। मुबारक। ये क्या बदमाशी है रवि, मैं मुश्किल से गुब्बारे बांध रही हूँ, तुम फोड़े जा रहे हो, दे दो मुझे। नहीं 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 यार, जोड़ी तो अच्छी बनती है अपनी। बोलो, शादी करोगे मेरे साथ? एक तरीका ये भी होता अपनी तरफ से हाथ खींचने का। जाओ, आपको बुला रही है। तुमसे किसने कहा था सिगरेट पीने को? अरे वाह, खुशबू अच्छी लगती है हमको। चलो तुम एक सिगरेट पियो, यहाँ हमारे पास बैठकर। बिट्टो, जरा मोमबत्ती लगाओ केक पर। तुम यहाँ बैठो। कितनी लगानी है? 16? नहीं, 23। 23? अब तक तो लड़कियों को उम्र कम करते सुना था, तुम पहली लड़की हो जो उम्र बढ़ाकर बता रही हो। ये मेरी नहीं तुम्हारी उम्र है, और ये जन्मदिन मेरा नहीं तुम्हारा मनाया जा रहा है। मुझे तो याद ही नहीं। तुम याद नहीं? फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हाउ फॉर अ सॉन्ग बाय द बर्थडे बॉय? हां रवि, नो प्लीज गाओ ना। कहा ना कि नहीं? बहुत खराब आदत है, पहले भी कहा था हमने, बिला वजह कि खित 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 खित। क्या है ये, क्या है? लाज साहब। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, वरना फिर पापा आ जाएंगे। नहीं नहीं, दिन में मैं सिर्फ एक दो ही सिगरेट पीता हूँ। ज्यादा लपड़ तपड़ करोगे ना, पूरा पैकेट पिला देंगे। हदे, शाम से बोल रहे एक सिगरेट पी, उनके नखरे ही नहीं पूरे होते। माचिस है मेरे जेब में। माचिस नहीं ढूंढ रहे हम, अपनी पेंसिल ढूंढ रहे हैं। न जाने कहाँ कहाँ रख के भूल जाते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं पागलों की तरह। एक, ए, देख क्या रहे हो, जरा खुजी करो ना, हमारा हाथ नहीं पहुंचता ना। थोड़ा उस तरफ, थोड़ा और नीचे, और नीचे, भीतर हाथ डालो, डालो ना। ठीक से कुच्ची करना भी नहीं आता। वो बिट्टू की खुजली आ रही थी। मैं सच कह रहा हूँ सर। हाँ पापा, हमें ने रवि से कहा था। आउट। प्लीज पापा, आज उसका जन्मदिन है।
कान खोलकर सुनो बिट्टो, आज के बाद उस लड़के से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मिलना जुलना, बातचीत, चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं। अगर आंख उठाकर भी उसकी तरफ देखा तो याद रखना, मरा हुआ मुंह देखोगी मेरा। बात क्या है बेबी, साहिबित के घर आ गए? बेचारी की हालत खराब है, चल भी नहीं सकता। हमें मत बताओ शांतता, कितनी बार कहा तुमसे। क्या हो गया तुम्हें बेबी, क्या एक बार खिड़की में जाकर उसे देख भी नहीं सकती? नहीं देख सकती शांतता, नहीं देख सकती। पापा ने हमें कसम दी है अपने मरने की। इतने एंटीबायोटिक्स दिए हैं फिर भी बुखार नहीं उतर रहा। डॉक्टर साहब, बेबी को बहुत खुजली होती है। हाँ हाँ, जरा ब्लड टेस्ट करके देख लेते हैं। बोलो बेबी, मूर्ति के कफन का रंग भी तो ऐसे ही होता है, सफेद। ऐसा क्यों बोलते हो बेबी, तुम जाओ तो रंग भर सकती हो बेरंग फूलों में। मैं भर सकती हूँ? हाँ ठीक तो है, मेरा एक काम करोगी शांतता? हाँ बोलो बेबी बोलो। उन सफेद फूलों में से एक मुझे ला दोगी? हाँ बेबी, अभी लाई। कसम ले ली है वो तुमसे मिलेगी नहीं, बात नहीं करेगी, तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। उसी कसम से बंधी हुई है बेचारी। ये लो बेबी। एक फूल में रंग भरने की कोशिश की है शांतता, ये
इतना हाथ कैसे कट गया? ब्लेड से कट गया पापा। ब्लेड से, मगर इतना इतना खून कैसे निकल आया? ये अच्छा पूछा साहब आपने, खुद तो खून कर दिया उसके कलेजे का, और अब पूछते इतना खून कहाँ से निकल आया? शांता ताई, भगवान जाने उम्र बढ़ने के साथ आप लोगों को क्या हो जाता है, कैसे भूल जाते हैं कि आप भी कभी इसकी उम्र के थे। आपका दिल भी तड़पता था इसकी माँ के लिए। एक पल के लिए आंखों से दूर हो जाती थी तो ऐसे लगता था अगली सांस नहीं जी पाएंगे। तो आज आप क्यों नहीं सोच पाते इनके दिलों पर भी वही गुजर रहे हैं जो आपके दिलों पर तब गुजरी थी। बकवास बंद करो शांता ताई, जाए यहाँ से और जाकर काम देखो अपना। और कौन सा काम देखो साहब हम अपना? और कौन सा काम है हमारा इस बिट्टो की खुशी देखने के सिवा? इसकी माँ तो जनकर हमारी गोदी में डालकर स्वर्ग सिधार गई। ये बेचारी हमारी सूखी छाती छिचोड़ती थी तो हाथ उठाकर यही मांगती थी, बाबा विठला हमारा सारा लहू पानी कर दो, मगर दो बूंद दूध निकाल दो हमारी छाती में से ताकि इस बच्ची के होंठ तो गीले हो जाए। और आज आप कहते हैं इसका सुख दुख देखना हमारा काम नहीं है, तो और कौन सा काम है हमारा? रात रात भर तके में मुंह छिपा कर बच्ची बिलकती है तो हमारा ही कलेजा फटता है ना देख देख के। हमसे नहीं देखा जाता इसका तड़पना, हमसे नहीं देखा जाता। तुम्हारे कान से खून बह रहा है। मेरे खून की फिक्र मत कीजिए मिस्टर माथुर, मगर ये जो आपका अपना खून है इसे भी नहीं पहचान सकते। ये प्यार की हार नहीं जीत है, क्योंकि बिट्टू आपको भी बहुत प्यार करती है। आइए डॉक्टर साहब, बिट्टू की रिपोर्ट आ गई, कोई खास बात तो नहीं? माथुर साहब जरा एक मिनट अंदर आइए। बिट्टू को मत बताइएगा माथुर साहब, उसे ब्लड कैंसर है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे कोई तकलीफ ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा जिए। ज्यादा से ज्यादा जिए से आपका मतलब? कोई 6 महीने या 8, कुछ टेस्ट हमें लेने होंगे। ये रही उसके केस रिपोर्ट की फाइल।
मैं क्या बोली थी साहब, जरूर किसी की नजर लगी है बेबी को, बघा ना तुम्हें, साथ साथ मिर्च वार के जलाई फिर भी जरा भी बास नहीं आई। मेरी एक बात मानो साहब, माता के मंदिर में जाकर बभूत लाके लगा दो और मौलवी से पढ़वा कर तावीज बनवा दो, देखते देखते उठ के खड़ी ना हो जाए तो माझे नाव शांताबाई सांगणार नाही मी। कर लो जो तुम ठीक समझो। ठीक तो ये होगा साहब, उस बेचारे को मिल लेने दो एक बार बिटिया से, दोनों का दिल जल रहा है ना, उसी का दुआ भर रहा है घर में। बिट्टो कहा था ना मत आना, फिर क्यों चले आए? जे, मैंने बुलाया है बेटे, तुम इसे मिल सकती हो, मैंने अपनी कसम वापस ले ली बेटे, मैंने अपनी कसम वापस ले ली। बिट्टो जानू, हाँ जानू, बेटो और कितना रोगी बेटा, तुम्हें क्या पता हम रो रहे हैं कि हंस रहे हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो बेटो, और तुम एक नंबर के बेवकूफ। क्यों? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता हूँ सर, मैं जानता हूँ मैं आपकी बेटी के लायक नहीं। वो बात नहीं है बेटे, अब मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं सर। वो नहीं जानती उसे ब्लड कैंसर है। रवि वक्त बहुत कम बचा है सर, आप जल्द से जल्द शादी की तैयारी करवा दीजिए। बेटे परेशान मत होइए शास्त्री जी, रवि ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, मैं बहुत खुश हूँ। कंचन। ओहो शास्त्री जी चलिए नाचिए। ये अब्डोमेन का एक्सरे है, ये चेस्ट का और ये स्पाइनल कॉर्ड, सब एकदम क्लियर है। फिर इतना तेज दर्द क्यों उठा डॉक्टर साहब? कुछ समझ में नहीं आता, हो सकता है पेट में पथरी हो। आईवीपी करा के देख लेते हैं, फिलहाल एहतियात के तौर पे मैं कुछ पेन किलर्स लिख देता हूं। यानी कि ऐसा दर्द फिर से उठ सकता है डॉक्टर साहब? अब जो तेज दवाइयों का कोर्स शुरू किया है उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सर द टेबल इज रेडी। हाँ मैं आता हूँ। देखिए मिस्टर रवि, एक बात मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि आप बिट्टो के पति हैं। जी देखिए बिट्टो बहुत कमजोर है,
इसलिए किसी किस्म की थकान या एक्साइटमेंट उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। साफ कहूं तो उसे मां नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बच्चा पेट में पोषण मांगता है यानी कि ग्रोथ, और कैंसर की सभी दवाइयां एंटी ग्रोथ होती हैं। बच्चा तो बढ़ नहीं सकता, मां की उम्र और भी कम हो सकती है। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज। मैं समझ रहा हूं। आई एम सॉरी यंग मैन, बट वेल एक्सक्यूज मी। कितनी देर कर दी, कब से इंतजार कर रहे थे? वो जरा डॉक्टर के यहाँ गया। बैठो ना, ये देखो ना कितना क्यूट बच्चा है, और ये वाला तो उससे भी क्यूट है ना? बहुत अच्छा है। तुमको भी बच्चे पसंद है? फिर तो हम एक दो नहीं पूरे 11 बच्चे बनाएंगे, प्लस एक क्रिकेट की पूरी टीम। बाकी तरकीब वर्कीब हमने सब पूछ लिया शांता ताई से। तरकीब? हाँ, ये कि लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होती है, मगर हम तुम्हें नहीं बताएंगे, शर्म आएगी हमको। रवि, यूं आधी आधी रात कब तक घर से बाहर भटकते रहोगे? बिट्टू सो गई? हाँ, शाम से बालकनी में खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रही, फिर वही इजी चेयर पर बैठे बैठे। और लफड़ा तो नहीं चल रहा तुम्हारा? हमसे अपने पांव छोड़ने को मत कहना जानू। बेटो, तुम प्यार या इज्जत के नहीं, पूजा करने के लायक हो। अरे पर मैंने किया क्या है? कैंसर से मरती लड़की पर रहम खाकर तुमने उससे शादी कर डाली। हमने चोरी से अपनी बीमारी की फाइल देख ली है। ये बात तुम्हारी गलत है बेटो। मैंने तुम पर रहम नहीं किया है, मैंने तुमसे शादी की है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूंगा। अगर ऐसा है जानू, तो फिर हमें पूरा प्यार दो। हम अधूरे रहकर मरना नहीं चाहते, हम माँ बनना चाहते हैं। नहीं, ये नामुमकिन है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम... क्या कहा है डॉक्टर ने? कि तुम 6 या शायद 8 महीने और जियोगे। शायद ना, तो शायद ये भी तो हो सकता है कि हम 10 महीने जी जाएं, 12 महीने जी जाएं। मगर कैंसर की दवाओं के साथ पेट में बच्चा नहीं पल सकता। तो नहीं खाएंगे हम दवा? अरे सांस नहीं लेंगे हम अपने बच्चे के लिए अगर जरूरत पड़ी तो? और जब दर्द उठेगा तो? जिस दिन तुम्हें पता चले कि दर्द उठा है तब बात करना। बेकार की इज्जत कर रही हो तुम, बेकार की बहस तुम कर रहे हो। सचमुच प्यार करते हो ना हमसे? तो समेट लो हम अपनी बाहों में तुम्हें, हमारी कसम। Oh,
कुछ और कैसी होती है? आपस में जुड़े दो बदन, ऐसा नहीं लगता जैसे दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हों। चलो बेबी नाश्ता करके दवा खा लो और ये लो प्रसाद। क्या हुआ तुम्हारी अक्ल को शांत आई? पता नहीं आज व्रत है हमारा। अब बस करो बेबी, सात शुक्रवार करने थे ना तुम्हें, वो तो हो चुके। लो। यानी सात शुक्रवार हो चुके? हाँ आज आठवां है। लो प्रसाद लो। क्या बात है बेटे? पापा आप हमको डांटिए, बहुत जोर से डांटिए। डांटिए? अभी जरा मैं रोना शुरू कर दूंगी। नहीं रोएंगे पापा, सब चुपचाप सुन लेंगे। आप डांटिए। बिल्कुल बेवकूफ हो तुम, जाहिल। दूध पीती बच्ची नहीं, अब आखिर शादी होगी तुम्हारी, जरा भी पता नहीं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तो तंग आ चुका हूँ इस लड़की, अब खड़े-खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? दूर जा मेरी आंखों के सामने से। बिट्टो, रुको बेटा। क्या बात, क्या है बताओ तो सही। हम मां बनने वाले हैं पापा। क्या ये क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं नहीं, यानी कि पक्का पता है तुम्हें? ओह माय गॉड, ये क्या गजब कर डाला तुमने। लेकिन उस रवि को तो पता था कि पता तो हमें भी था पापा। क्या 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 पता था कि हमें कैंसर है? रवि का कोई कसूर नहीं है पापा, हम इन्हें जिद की थी। आप उससे कुछ मत कहिएगा। शट अप एंड गेट आउट, जाओ यहां से, सोचने दो मुझे। खुश रहो। तुम्हें मालूम था, तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि इससे बिट्टो की जान जा सकती है, उसके बावजूद तुमने, अरे इतनी हवस थी तो बाजार चले जाते, मेरी बेटी की जिंदगी के दुश्मन क्यों बन गए तुम? अब जाओ यहां से। और सुनो, हम सब ने यहां मिलकर यह फैसला किया है कि बिट्टो को इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दिया जाए। मगर सर, कल सुबह डॉक्टर नीता अपने स्टाफ और एनेस्थिस को लेकर यहां आ जाएगी, ये फैसला बदला नहीं जाएगा। यू कैन गो नाउ। मुंह मीठा करो मैम साहब, लो आप भी लो। भगवान करेगा चांद सनाती खेलेगा आपकी गोद में। बकवास बंद करो शांता ताई, ये बच्चा नहीं हो सकता, इसे खत्म करना पड़ेगा। ऐसा मत बोलना साहब। क्यों भला क्यों? क्योंकि बिट्टो को कैंसर है। अरे देवा, पेट में बच्चा हुआ तो 6 महीने की जगह 4 महीने में मर जाएगी, इसलिए समझाओ उस बेवकूफ को कि अपनी जिंदगी और कम ना करे और मिटा दे उस बला को। ये तो हमसे नहीं समझाया जाएगा सर। अरे मरना जीना तो सबका उस ऊपर वाले के हाथ में है। अगर उस बेचारे का मरना तय ही है तो कैंसर से मरने की जगह पेट के बच्चे के लिए मरना अच्छा। हाँ जानू, उन लोगों से हमारी जान ले रहे, हमारे बच्चे को कुछ न कर, हमारे बच्चे को कुछ न कर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें ना तुम्हारे बच्चे को। आज तक न जाने कितने प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को लेकर भाग गए हैं, लेकिन आज मैं एक पति अपनी पत्नी को लेकर भाग जाऊंगा, आज ही रात। Thank you.
बेटो क्या बात है बेटे? कुछ नहीं पापा, कितने दिनों से आपने हमें अपने पास नहीं सुलाया है ना, तो आज यूं ही हमारे चीख के आके। हाँ बेटे, वक्त से पहले अगर गलती सुधार ली जाए बेटे तो वो गलती नहीं कहलाती। जी पापा। वो लोग बेहोशी की दवा दे देते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, पता तक नहीं चलेगा। जी पापा। चलो थोड़ा सोने की कोशिश करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी पापा। I love you, Papa. I love you, my darling. I love you too. बहुत बदमाश हो और तुम तो बहुत भली हो, बहुत खुश भी हो ना। ए मिया, पहले कुछ चूल्हे चौकी का बंदोबस्त करो। क्या भूखे पेट भजन नहीं हुआ करता? आउट आउट यार। भैया यहाँ कुछ कामा मिलेगा? हाँ हाँ, ट्रक ससरे हमारे आते रहते हैं, मुनि हमारा बड़ा चुट्टा है, अगर हराम खोरी ना करो तो आज कल से हिसाब लिखने। तनख्वाह कितनी होगी? अरे दे देंगे 100-125 रुपए महीना। तो क्या 1000-2000 लोगे या दुकान लिख दूं नाम तुम्हारे? नासुक चीज है सिन्हा साहब, ऊपर से विदेशी, यहाँ तो बनेगा नहीं, शहर भेजना पड़ेगा, 750 रुपए का खर्च है। 750? पूरा सर्किट चेंज करना पड़ेगा सिन्हा साहब, हो सकता है कि पिक्चर ट्यूब भी खत्म हो गया हो। नहीं नहीं, ये हाइब्रिड मॉडल है, इसका एक आध रेजिस्टेंस या वॉल्व गया होगा। अरे भाई तुमसे राय किसने मांगी? फूटो फूटो। सिन्हा साहब जैसे ही बन के आएगा ना, मैं फौरन आपके घर भिजवा दूंगा। अरे अरे सुनो सुनो, अरे भाई क्या नाम बताया तुमने? अरे सुनो, तुम टीवी का काम जानते हो? अब तक यही करता था बम्बई में। अब बम्बई में? अरे भाई तो कहाँ थे अब तक? चलो चलो, क्या हुआ? तनख्वाह कितनी मिलेगी? अरे भाई अगर 600 रुपए का मुझे मुनाफा होगा ना तो 300 रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, शहर भेजने में टूट फूट होती है उससे तो बच जाऊंगा। अरे 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 कहाँ भाग रहे भाई? अच्छा साले ठहर, अभी ठीक करते हैं तुझे। अरे बिट्टो 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 ओ बिट्टो, कसम से मजा आ गया। क्या काम मिला है, वो भी 50-50 पार्टनरशिप, और ये सब खरीदने के बाद भी 250 रुपए बचा कर लाया हूँ। अब बस कल जाके बर्तन वर्तन खरीद के लाऊंगा। और पैसे इधर लाइया, क्या लाना है क्या नहीं हमको ज्यादा पता है। ओ, जैसे किसी सेफ डिपॉजिट या लॉकर में डाल दिया हो। क्यों मैं निकाल ही नहीं सकता? ए, हाथ तो लगा के देखो। अच्छा ये बात है, अब भी दिखाता। नहीं चलो प्लीज। नहीं। ओहो ये क्या क्या क्या? अभी बचाओ।
क्या बात है बीबी जी? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ। हाँ कुछ कैसे नहीं, हाथ उठाते मुआ मेरे ऊपर। अब क्या कहें बीबी जी, मर्द की जात होवे ही ऐसी, चढ़ा के आवे अड्डे से और जोर निकाले हम जनानियों पे। बच के कहाँ जाएगी? जानो प्लीज, प्लीज जानो, जानो मस्ती नहीं। क्या बेटा? तुम जो कर रहे थे करो ना यार। बेटो, बेटो मैं डॉक्टर को ले। जानो, जानो प्लीज सुनो तो, जानो। मैं आता हूँ बेटो। जानो। हेलो, अभी मैंने जीप दिखाने को नहीं कहा, पिछली कोई रिपोर्ट्स है? जी डॉक्टर साहब, अभी ले आता हूँ। बाल बच्चा होने वाला है? जी। कितने महीने हुए? 3.5 बस, अब 5 महीने और 20 दिन और बाकी हैं। ये तो तुमने गड़बड़ कर दी, अगर पेट में पथरी हुई और दवा देके निकालने की कोशिश की तो बच्चे को धक्का पहुंच सकता है। तो भी हम दवा खाएंगे नहीं, बच्चा होने के बाद खा लेंगे। पागलपन की बातें मत करो, दर्द उठेगा तो बहुत तेज होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इस तारीख के हिसाब से तो ये 4.5 महीने पहले की रिपोर्ट्स है। क्या बात है डॉक्टर जी? खास कुछ नहीं, वो खून में सफेद सेल्स होते ना, वो जरा। उसे पता है डॉक्टर साहब। क्या पता है? कि हमें ब्लड कैंसर है। जानते बूझते तुमने ये नादानी क्या कर डाली। अरे बच्चा तो होगा 5 महीने बाद, तब तक पता नहीं, पता नहीं हम जिएंगे भी कि नहीं। सुनो, तुम इसे एक बार क्लिनिक ले आओ जी। एक्सरे लेते हैं, शायद पथरी पथरी ना हो, मगर दवाई और रेस्ट मस्ट। हाँ, यू मस्ट डू इट। सारी दवाइयां तो यहाँ नहीं मिलेगी, शहर से मंगवानी पड़ेगी। कहीं से भी मंगवानी पड़े, मुझे दवाइयां चाहिए जरूर। वैसे कितने पैसे हुए? जी वो सब मिला के 530 रुपये। ठीक है, आप पैकेट बना के रख दीजिए, मैं शाम को लौटते वक्त ले जाऊंगा। आइए माता साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। मैं इसको जरा हटाई देता हूं। आप बार बार क्यों तकलीफ दे रहे हैं अपने आप को? जो ही बच्चों के बारे में मुझे कुछ मालूम होगा मैं खुद आके आपको बता दूंगा। मैं क्या बच्चों का दुश्मन था शास्त्री जी? उनके भले की ही तो बात कर रहा था, वही जो मुनासिब था, सही था, सच था। वो आपका सर था माता साहब, काश कि आप ये जानने की कोशिश करते कि बच्चों का सच क्या था। अब सच तो सही होता है शास्त्री जी, वो भी क्या लोगों का अलग अलग होता है। होता है माथुर साहब, होता है। रोशनी तेज लग रही है आपको? नहीं, वो जरा मुझे धीमी लग रही है, लिख रहा था ना इसलिए। अब देखिए, एक ही कमरे में एक बल्ब जैसी मामूली चीज के बारे में आपका सच मेरे सच से कितना अलग है। आपको रोशनी तेज लग रही, मुझे कम। वैसे सच आप भी बोल रहे हैं और सच मैं भी बोल रहा हूं। बस यही दुआ कीजिए कि बच्चे जहां भी हो खुश हो। अरे मत उतारो, मत उतारो भैया, आज कोई टीवी बनने ही नहीं आया। जी लाला जी, मुझे दवा के लिए 350 रुपए की उधार। उधार नहीं, उधार बिल्कुल नहीं, पहले ही 3 बार ले चुके हो और वापस नहीं किया। जब काम होगा तो काम करके पैसे ले जाना। मगर लाला जी दवा। कलेजे को ठंडक, 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 कलेजे को ठंडक। आ 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
अरे एक मिनट, एक मिनट, मारो मत, अरे मारो मत, अरे भाई गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना, मारो मत भैया। अरे साला बनता है तो ये लो 300 रुपए दवाई के रखो, इलाज करा लेना। हाँ प्लीज भाई, मैंने ये आजकल कैसी कर दी साहब, आजकल तो जान बचाने में मुश्किल है, गाड़ी वालों से बहुत जोर की लगी है, हड्डी भी टूटी होगी, 350 रुपए दे दो वरना मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। एक गोली बड़ी वाली और एक पीली। गुलाबी दर्द ना हो तो लेना जरूरी नहीं है। चलो शाम की दवा भी हो गई। मेरा पुलाव जल रहा है। थैंक गॉड बच गया। दीदी। हाँ जी। हमने घर में कहीं अपना नाम लिखा है, आप ढूंढिए। ढूंढने पर इनाम क्या मिलेगा? 2 पप्पी, एक इधर एक इधर। अरे वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा खेल है, हमको भी खिलाओ। हमको भी खिलाओ। अरे नानी याद आ जाएगी ढूंढते ढूंढते। वो बाद में देखेंगे, मगर पहले नाम मैं लिखूंगा। ओके कहां से आवाज आई भाई? कहीं लिखा भी है कि नहीं? लिखा तो है। उठो वहां से। आप हमारा नाम ढूंढिए जब तक हम बाहर घूम कर आते हैं। जूता है हमारा, कुछ नहीं मिलेगा। अलमारी के सामने से तो। बाप रे बाप। नारियल। हाँ शायद बोतल के नीचे ही है। अचार, मिर्ची का अचार है। कर रहे किसने में लिखा है? अरे अरे सर फोड़ दिया रे। कांच 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 का ग्लास है, कांच का ग्लास। अल्लाह। ढूंढो ढूंढो रे साज अन्ना, नानी याद आ जाएगी ढूंढते ढूंढते। हो गया इज्जत का कचरा। चलो ठीक है भाई। देख रहा हूँ क्या सूरज कहाँ से निकला है? सुबह सुबह इतनी मेहरबानी। अजी ये तो सिर्फ एडवांस है, आज हमने नाम ऐसी जगह लिखा है कि ढूंढ लोगे तो 2 नहीं 10 पप्पी। तो फिर हम चाय बाद में पियेंगे। हम दोबारा बना के नहीं देंगे अगर ठंडी हो गई। फिर तो चाय पहले पीना ही बेहतर है। वैसे नाम हमने भी बहुत ही खास जगह पे लिखा है।
वहां नहीं, कमाल हो गया, जो मियां ने सोचा वही बीवी ने, वाह। तुमने अपना नाम यहाँ क्यों लिखा? अरे वाह भाई, जब तुम लिख सकते हो तो क्या मैं नहीं लिख सकता? हमारी तो जगह वही है जानू, पर तुमने अपना नाम यहाँ लिखकर हमें नरक में भेजने का इंतजाम क्यों किया? हे भारत देश की सन्नारी, क्षमा कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। शर्म नहीं आती? दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, दोबारा करना कभी ऐसा? मरा मुंह देखोगे हमारा। बिट्टो, एक लगा हुआ खींच के अगर गलत बात मुझसे निकाली तो। मेरा साबुन यूज कर लो, मैं कल ले आऊंगा। नहीं, अभी लाकर तो बाजार से। अभी नहीं जाऊंगा, एक घंटा जाने को लगता है, एक घंटा आने को लगता है, कभी माचिस के लिए दौड़ाती हूँ, कभी झाड़ू के लिए, क्या मजा आ गई है? जाते हो कि नहीं? चिल्ला मत। जाते हो कि नहीं? ए बिट्टो, बिट्टो रो मत, जाता हूँ, जाता हूँ, बड़ी शेषणी होती चली। बच्चे के लिए अगर जरूरत पड़ी तो? और जब दर्द उठेगा तो? जिस दिन तुम्हें पता चले कि दर्द उठा है तब बात करना। अबे हरामी पास कर तेरी तुम्हें बहन की पास। खाई थी हमने। अब ये झूठ बोलना बेकार है, दवाइयों के सारे ढेर भर दे चुका हूं मैं। हाँ बेटो,
सकता हूँ हम। नहीं चारू, हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। नहीं, ये दर्द कैसे सहोगी तुम? सह लेंगे जानू, सह लेंगे। अब देने कितने बच्चे हैं, जैसे इतने दिन निकल गए बाकी के भी निकल जाएंगे। तुम क्या जानो, हर बार तुमको बाहर भेजने में कितना झूठ बोलना पड़ता था हमें। कभी खुलकर रो भी नहीं सकते थे, पर अब तो तुम्हारे कंधे पे सर रख कर रो सकते हैं ना। दर्द टिकेगा कहाँ, बह जाएगा सारा आंसुओं के साथ, बह जाएगा। चलो जरा सहारा देकर वहां तक पहुंचा दो ना। खिड़कियां बंद करने से मौत के फरिश्ते लौट जाया करते हैं क्या? बिट्टो, कितनी बार कहा है तुमसे, मत किया करो ऐसी चीज जलाने वाली बातें, मत किया करो। किस्मत तुम्हारी जानू, जिसमें जी का जल नहीं लिखा है। बिट्टो प्लीज, प्लीज बिट्टो। हम नहीं चाहते जानू कि हमारा बच्चा बिना माँ के प्यार के जिए। कह दो कि हमारे बाद दूसरी शादी ना मत करना। हाँ कह दो। अरे पाप लगेगा, ऐसे बच्चे को दुनिया में लाओगे माँ ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। तुम दूसरी शादी करोगे? बस करो, बस करो, बस करो। हर वक्त वही बकवास, वही बातें। बिट्टू, खाना खा लो। नहीं खाएंगे। बिट्टू, नहीं खाएंगे। आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं। जब तक हमारी बात नहीं मारोगे हम खाना नहीं खाएंगे। मत खाओ। सब्जी तो मान लेता हूँ ना, उसे कहीं नहीं जाए। पर ये नहीं मानूंगा, हरगिज़ नहीं मानूंगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, ये बात दोबारा मुझसे निकाली तो जानू, जानू मान जाओ वरना कसम दे देंगे अपने। शट अप। तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से ज्यादा जिद्दी है, मना के छोड़ेगी। अरे हमने तो तुम्हारे लिए अच्छी सी मम्मी भी देख रखी है, कुछ समझते तो हो नहीं। अरे ये गुस्सा नहीं है, प्यार है, प्यार। यही है चक्कर जानू, मम्मी भी
सच वेद की उल्टी बानी पर से छाता भीगे पानी राजा जी घूंघट में बैठे राज चलाए उनकी रानी चिड़ी का बच्चा चिड़ी के संग कट गई डोरी चली पतंग अरे 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 ए ए ए ए जुब है लुकेमिया के बावजूद वो इस वक्त तक जी कैसे रही है वो अपने बच्चे की खातिर जी रही है सर इस बच्चे के लिए उसने बे इंतहा दर्द बर्दाश्त किया लेकिन दवा नहीं ली
ताकि बच्चे पे कोई बुरा असर ना पड़े। सर वो नहीं पेशेंट, शी इज रेस्टलेस, तड़प रही है। मॉर्फिन? सर, मैं दो बार मॉर्फिन दे चुकी हूँ। जब तक बेहोश रहती, बेहोश रहती है, होश आते ही ऐसी ही तड़पने लगती है। मिस्टर रवि जी, डॉक्टर साहब, ये एक अजीब मामला है। बिट्टू की कोई केस हिस्ट्री या रेगुलर रिपोर्ट नहीं है, उसने कोई दवा नहीं खाई, इसलिए हम ये भी नहीं मालूम कर सकते कि कौन सी दवा का उस पर उल्टा असर हो सकता है। हम उसका एक्सरे नहीं कर सकते, कोई रेडिएशन या इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि बच्चे की आँख पर या दिमाग पर उल्टा असर हो सकता है। अगर ये पथरी का दर्द है तो इस हालत में हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, और फिर ये कैंसर की मरीज है। मेरी समझ में नहीं आता इस केस में मैं क्या करूँ। सर, दिल्ली से डॉक्टर शानबाग और डॉक्टर जलोटा को बुला ले, वो स्पेशलिस्ट है। बुलाने को तो बुला सकते हैं, लेकिन जानती हो ये कितने खर्चे का काम है। खर्चे की फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, जितना भी पैसा होगा मैं ले आऊंगा। बिट्टू के लिए अच्छी से अच्छी सहूलियत, अच्छा से अच्छा इलाज होना चाहिए सर। पैसे मैं ले आऊंगा साहब, पैसे मैं ले आऊंगा। जानू, जानू, हमें छोड़ के कहीं मत जाना। मैं यही हूँ बेटो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। दिनों बाद नजर आए। हाँ, और वो भी अपने मतलब से आया हूँ। कहो। मुझे रुपयों की जरूरत है, बहुत सारे रुपयों की जरूरत है। ठीक है, कितने रुपए चाहिए? ये कुछ 20-25 हज़ार या ज्यादा। अचानक कितने रुपयों की क्या जरूरत पड़ गई? वजह बताना जरूरी है। आई एम सॉरी, एक मिनट रुको। और जरूरत पड़े तो बेझिझक कहना। तुम्हारा ये ऐसा मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा छोड़ो, ये बताओ बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो कुछ भी तुम चाहो। मेरे साथ शादी करोगे बेटों के बाद? ठीक है, करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बेटों की जितना प्यार भी करोगे मुझसे? जी नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। बेटो बहुत ज्यादा बीमार है। एक 5 मिनट का वक्त मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने खबर भेजी थी बिट्टू। शांता ताई नहीं आई बेटे, मैं उसे लेकर नहीं आया। तो क्या हुआ, जब घर आओगी तो मिली लोगी ना उससे? नहीं, पापा,
हम आपको बिना बताए घर से भाग आए। आप हमको डांटी है। नहीं बेटे, नहीं, ऐसा नहीं कहते। तो फिर माफ कर दीजिए। तुमने कोई गलती नहीं की बेटे, कोई गलती नहीं। हाँ बेटे, आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटे, आई लव यू टू। मिस्टर माथुर, आप तो देख ही चुके हैं कि मरीज की हालत कितनी खराब है। पता नहीं उसमें जीने की कौन सी इतनी जबरदस्त इच्छा थी कि उसके पेट का बच्चा भी 7 महीने पल गया। लेकिन अभी 2 महीने और हैं, 2 महीने, और ऐसी हालत में कोई 2 दिन भी कैसे निकाल सकता है। वैसे दिल्ली से डॉक्टर शानबाग और डॉक्टर जलोटा को बुलाए हैं, वो स्पेशलिस्ट है। बस करो आभा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि दुनिया के सारे डॉक्टर मिल के भी इस लड़की को नहीं बचा सकते। आप उसे मार सकते हैं डॉक्टर साहब, आप उसे जहर का इंजेक्शन दे दीजिए ताकि वो इस तकलीफ से छूट जाए। मेरी बेटी बहुत नाजुक है डॉक्टर साहब, मुझसे उसका तड़पना नहीं देखा जाता। मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। क्यों नहीं कि कंचन जी को लेने जा रहे हो? कैसी हो बिट्टू? आप? मैं भी अच्छी हूं। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। जानू, इतनी जिदे मानी है तुमने हमारी, ये एक और नहीं मान सकते। मानूंगा, सिर्फ मानूंगा। बोलो, वादा करो हमारे पास तुम कंचन जी के साथ शादी। नहीं बिट्टू, नहीं, प्लीज ये वादा मत लेना इसे। ये तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज बिट्टू, इस फिर शादी करने को मत कहना, प्लीज मत कहना। यानी हमारे बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिलेगा? क्या बात है बेटो? बेटो बहुत दर्द हो रहा है। अब तो आराम है, कोई चिंता जो नहीं रही। बेटो, इस दर्द का मखनद जाने कब से सोने नहीं दिया हमें। किसी तरह से हमें थोड़ा सा सुला दो ना जानू, प्लीज। हाँ बेटो, आंखें बंद कर लो बेटो। जानू, इस तरह रोगी तो मर के भी चैन नहीं मिलेगा हमें। तुम्हें हमारी कसम जानू, हमारे बाद भी तुम रोगे नहीं। वादा? वादा।
तुम्हें हमारी कसम जानो, हमारे बाद भी तुम रोगे नहीं। Sorry, no construction in pupils. It's all over. सहने की भी एक हद होती है। इतना दुख बर्दाश्त न कर पाने की वजह से लड़की कोमा में जा चुकी है। अब ये एक जिंदा लाश के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप लोग कहां जा रहे हैं? आप लोग कहां जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं बिट्टू जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, उसके दिल के धड़कने बोल रही है। बिट्टू बिट्टू ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब बकवास कर रहे हैं। मैं जानता हूं जिंदा बिट्टू, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। मैं जानता हूं ठीक है ना? बोलना बिट्टू, बोलना कभी कभी मरीज कोमा में से लौट भी तो आते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, मगर ऐसा करिश्मा लाखों में एक बार होता है, और वो भी 6 महीने बाद या 6 साल बाद कोई कह नहीं सकता। और फिर इस लड़की को तो कैंसर है, अगर इसके पेट का बच्चा बिगड़ गया और जहर फैल गया तो इतनी बुरी तरह सड़ेगी कि देखा भी नहीं जाएगा। बस कीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज बस कीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर माथुर, बट गेट मी कंसेंट फॉर्म। देखिए मिस्टर माथुर, लड़की को तो हर हाल में मरना ही है, तो क्यों ना हम उसके पेट के बच्चे को निकालने की कोशिश करें। इसके लिए आपको इस फॉर्म पे दस्तखत करने पड़ेंगे कि आप हमें उसका पेट चीर कर बच्चा निकालने की इजाजत देते हैं। आप ये इजाजत देने वाले कौन होते हैं बाबूजी? बिट्टो का पति मैं हूं, मैं, और जब तक मैं जिंदा हूं दुनिया की कोई ताकत मेरे बिट्टो को मुझसे अलग नहीं कर सकती। अरे वाह, जीते जी मरा कह दिया मेरे बिट्टो को आप लोगों ने। आइंदा ऐसी हरकत आप लोगों ने की।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं वापस घर जाऊंगा। पिट्टो के बारे में कोई खबर करने का वक्त आए तो एक फोन कर दीजिएगा या एक तार दे देंगे तो भी चलेगा। थैंक यू बन सके। आइए शास्त्री जी, आप चलिए हमारे साथ, मैं यही रवि के पास रुकूंगा। मैं भी चलती हूँ अंकल। नारायण प्रियमनन वंदापहारं वाराणसी परपतिं भज विश्वनाथम। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। क्या शादी को एक साल पूरा नहीं हुआ? अरे तो मैंने कब कहा कि पूरा हो गया है। मगर वो आज ही का दिन था जब मिस्टर रवि मिस बिट्टो से पहली बार मिले थे। आज 5 अप्रैल है। नाउ से कंग्रेचुलेशंस। नहीं बोलोगी? कैसे नहीं बोलोगी? आज 5 अप्रैल है तो मुझे मायूस नहीं कर सकती आज। ठीक है बेटो, तू बोल नहीं सकती ना, तो 2 बार पलखे चपका थी, मैं समझ जाऊंगा बेटो। बेटो देख ऐसे, बेटो पलखे चपका दे, देख ऐसे। पलखे चपका बेटो, पलखे चपका। मेरे बेटे ने मुझे मुबारकबाद दी है। सिस्टर, 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 बेटो, बेटो ने पलखे चपकाई है। सिस्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को होश आ गया। डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना आपसे, मेरे बेटो वापस आ गई है। बेटो, मैं डॉक्टर आवा को जाकर अभी खुशखबरी देकर आता हूँ। ने रिस्पॉन्ड किया? हाँ सर, बात करेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बिट्टू को होश आ गया है। सुना आपने? बिट्टू वापस लौट आया है। डॉक्टर, बिट्टू इज सिंकिंग, आखिरी सांसें ले रही है। मैंने कहा था ना आपसे कि दुनिया की कोई ताकत मेरे बिट्टू को मुझसे अलग नहीं कर सकेगी। मैंने कहा था मैं कम से कम बच्चे को बचाने की कोशिश करूंगा। मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, तुम फौरन चली आओ। जी। हार गई डॉक्टर साहब, आप हार गई। आपकी मेडिकल साइंस, आपके डॉक्टरों की टीम, सब हार गई। और मेरा प्यार जीत गया। मेरे बिट्टू मुझे वापस मिल गए। सुना आपने? मेरे बिट्टू मुझे वापस मिल गए। हाँ। डॉक्टर मित्रा ने मुझे फोन पे सब कुछ बता दिया है। क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरे बिट्टू को होश आया, इस बात की आपको कोई खुशी नहीं? अब आपसे क्या कहूँ मिस्टर रवि, वो तो आपने सुना होगा कि दिया बुझने से पहले एक वजू से भभकता है। बस वही समझ लीजिए, ये बिट्टू की जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। टेलीग्राम नहीं खोलेंगे, पहले तुम पिट्टो की तरफ से केक काट लो, हम लोग तालियां बजा लें, फिर
इसे खोलकर पढ़ेंगे? कुछ याद नहीं पड़ता, किसे बुलाना भूल गया? इस गरीब को माथुर साहब, और किसे? शास्त्री जी, मैं आपको भूलने दूं तब ना। और देखिए कौन आया है मेरे साथ। नमस्ते। आइए डॉक्टर आभा, बड़े मौके पर आई आप, आज बिट्टो का जन्मदिन है। मुबारक माथुर साहब, बहुत बहुत मुबारक। अरे खाली मुबारकबाद, भाई प्रेजेंट पे तो दीजिए। माथुर साहब, ये है वो हीरे जिन्हें डॉक्टर आभा ने बिट्टो के पेट में से निकाला। इन्हीं पतलियों की वजह से दर्द से तड़प गई बच्ची। जाते वक्त बिट्टो को बहुत तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ? आपको मेरा तार नहीं मिला? जी हाँ, आज सुबह ही मिला। अरे भाई 10 दिन का भेजा हुआ तार। ये देखिए, नाना बनने की बधाई शास्त्री। मतलब है पिट्टो बिल्कुल ठीक है। जब उसे कन्वल्शन हुआ तो हम तो उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए कि कम से कम बच्चे को तो बचा ले, मगर बाद में पता चला कि वो लेबर पेन था। हाँ, बच्चा होने का दर्द। और माथुर साहब, पिट्टो का कैंसर अब 3rd स्टेज से पहले स्टेज पे पहुंच गया और अब काबू में लाया जा सकता, क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ, ये करिश्मा कैसे हुआ हम डॉक्टरों के पास इसका कोई जवाब नहीं। शायद इसलिए कि खुले आसमान के नीचे रहे, या शायद इसलिए कि बच्चे के होने में औरत के जिस्म में अंदरूनी तब्दीलियां होती हैं, टोटल मेटाबॉलिक चेंजेस, या फिर इसलिए कि इंसान से बड़ी कोई ताकत कहीं और भी है। पापा, विश्वास करते हैं पापा? हाँ करता हूँ, अब करता हूँ। सर, चलो बेटो अपना केक काटो, खाओ। मुझे तुम्हारा काम करना पड़ रहा था। अरे तुम ही काट दो ना कंचन, अगर बिट्टू ना आती तो तुम ही काटती ना। नहीं शास्त्री जी, तब मैं केक नहीं काटती तो रवि से शादी कर लेती। क्यों रवि, वादा किया था ना तुमने? हाँ किया तो था। अरे जरा देखो बेशर्मी, ऊपर से हाँ कह रहे। आइए कंचन जी, हम नहीं बात करते ऐसे लुच्चों से। रवि तुमसे प्यार करता हूँ मैं, तुमसे